I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. सब लोग रुक रहे थे, आपको सब सैल्यूट भी कर रहे थे, ऐसा क्यों पापा? बेटा क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस मतलब क्या होता है पापा? तुम रामायण के बारे में जानते हो ना? हाँ। जब रावण सीता को उठाकर ले गया तब राम जी ने हनुमान जी से कंप्लेंट कर दी, समझे? हनुमान जी ने सारी इन्वेस्टिगेशन की और फिर सीता जी को लंका में ढूंढ लिया और उसके बाद राम जी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की तरह लंका जाकर वहाँ के सारे दुश्मनों को अपनी पूंछ से हरा दिया। इस तरह सीता और राम जी का मिलन हुआ। उसके बाद वो उन्हीं के साथ रह गए। हनुमान जी ने जो ड्यूटी निभाई थी वही ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। पुलिस का मतलब होता है हनुमान जी। बिल्कुल सही बेटा, सारी दुनिया के पुलिस। जय वीर हनुमान। छोटे छोटे बच्चे, अभी तो सिर्फ खेलने कूदने के दिन थे उन बच्चों के, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उनके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और न जाने कितने ही देश, वहां के सभी बच्चों के हाथों में AK-47 मिसाइल्स, बॉम्ब्स, इन सब चीजों से वो तबाह हो रहे हैं और यही चीज वो हमारे देश में बेच रहे हैं। ऊंची ऊंची पढ़ाइयां करो, एंट्रेंस एग्जाम लिखो, बाद में नौकरियां ढूंढो, नौकरियां मिलने के बाद अत्याचार सहो, भ्रष्टाचार, कर्जे, सड़ी हुई राजनीति, इन सारी चीजों से तंग आकर वो बेचारा एक इंसान एक छोटी सी खुशी के लिए जब बाहर निकलता है तो उसे मिलता है धड़ाम, और फिर उसके बाद क्या होता है?
पुलिस वालों को लगा दिया जाता है घायलों को अस्पताल पहुंचाने में पंचनामा करने के लिए। नाउ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, उसे सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा होता है और वो है तारे। वो तारे जिनके कंधों पर लगे होते हैं उन्हें कहते हैं पुलिस वाले। इसीलिए हमारी ये एटीएस टीम, नो अरेस्ट, नो एफआईआर, नो इंटरोगेशन। आतंकवादी अपनी बंदूक में गोली भरे उससे पहले ही हमारी एटीएस टीम अपनी बंदूक उसके माथे पर लगाकर धड़ाम। वो लोगों को गन दिखाकर डराते हैं पर पुलिस का नाम सुनते ही उनकी पैंट गीली हो जानी चाहिए, समझ गए? थैंक यू। अलेक्जेंडर का है। गधों का इस एकेडमी में आना मना है। मैं तो बस ये कह रहा था इस बार मैं पास हो जाऊंगा। आप मुझे क्यों भगा रहे हो यहाँ से? इस एकेडमी के लिए 3 अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं और उसमें से 2 बार तुम फेल भी हो चुके हो। इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है, नहीं आती तो क्या करूं? इसका मतलब कोई अंग्रेज आकर तुम्हारे लिए लिखेगा। चाचा जी, हमारे देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज ही थे। हमें अंग्रेज नहीं बनना है, पुलिस बनना है ना चाचा जी? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए या ईमानदारी? पुलिस वाला बनने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश या फिर सच्चाई? दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश या फिर ताकत? पुलिस वर्ड अंग्रेजी से ही आया है। धत तेरी की, यहाँ भी इंग्लिश ही है। ठीक है, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाला मतलब महाबली हनुमान जी, देख लेना आने वाले दिनों में मेरे काम की तारीफ करके खुद पुलिस वालों ने मुझे इंस्पेक्टर ना बनाया ना तो मैं भी सिंघम का फैन नहीं। ब्लडी फूल, बेचारी तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन के बाहर टी स्टॉल चलाती है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। अरे यार, उसके परदादा आजादी मिलने से पहले होमगार्ड थे और उसके दादा आजादी से पहले कांस्टेबल थे और उसके पिताजी यहाँ के पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे, तो इस हिसाब से तो उसे ऐसा ही बन जाना चाहिए। पहले ही 2 बार फेल हो चुका है और इस बार भी वो फेल ही हो जाएगा। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरे जैसा सांड कांस्टेबल बन सकता है तो मेरा बेटा ऐसा ही क्यों नहीं बन सकता? तुम पैसे लाओ। इस तरह पुलिस को गाली देना गैर कानूनी है। सही कहा बेटा, अगर अभी से यही हाल है तो सोचो अगर कल को तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गए तो सोचो हमारे जैसों का क्या। हाँ, तू जा यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। अरे छोड़ो चाचा, आप जा। हाँ, देती हूँ। रोज अपने परिवार के गुणगान के बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता। ए रामाना, सर के लिए चाय लेकर आ। बताओ सर। माँ जल्दी चाय दो, सर को देके आ दूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि तू इन लोगों के लिए चाय लेकर जाए। मैं चाहती हूँ तू पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन जाए। ए संतोष, इधर आ। तुम्हें याद है जब पापा पुलिस में काम करते थे वो क्या कहते थे? पुलिस वाले हनुमान जी की तरह होते हैं, जब तक इंस्पेक्टर नहीं बन जाता हनुमान जी की तरह सेवा करता रहूंगा, पुण्य मिलेगा माँ। मेरा अच्छा बेटा। कैसे हो काका? हाँ ठीक हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा केस लगाना है, 415 लगा दूँ? 416 चाचा जी। 415 रे। 415 मतलब सीधे सीधे धोखा देना, 416 मतलब दूसरे का नाम लेके धोखा देना। इसे तो सब पता है। क्या हुआ दीदी, शादी के दिन भी आपको छुट्टी नहीं मिल रही है ना? हाँ ना। अगर पुलिस वाले छुट्टी लेंगे तो पब्लिक चैन से कैसे सोएगी? सही कहा। एक हिस्सा सीआई साहब को, दूसरा हिस्सा एसआई साहब को और तीसरा हिस्सा मेरा होगा। सर मैंने वो 15,000 में ही खरीदी है। मीडिया वाले कैमरा लगा के अच्छे अच्छों का स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, आपका बिना कर दें। अरे अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्यों दोस्त, ये तुम्हारे बॉस का ही काम है ना? नहीं जूनियर, आजकल वो बाइक नहीं चुरा रहे, पंचर बना रहे हैं। तो फिर पीटर ने क्या होगा? अरे सही कहा। पीटर को लेकर आप यहाँ पर आइए, इनकी बाइक मिल जाएगी। इन सब के बारे में बड़े अच्छे से पता। नहीं सर मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। इसे काम चाहिए था तो हमने इसे अपने घर पे रख लिया। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे पैसे चोरी हो गए हैं। बताओ बेटा। हाँ सर, माँ ने जो पैसे दिए थे वो मैं नहाने से पहले वो मैंने अपने बुक के 45-46 पेज में रखे थे सर, ये भी वही था सर। नहीं सर मुझे नहीं मालूम सच में। पेज नंबर 45-46 का है जरा बताओ। अरे तो इन सब में क्यों पढ़ रहा है सर? ये लड़का झूठ बोल रहा है सर। झूठ क्यों बोलेगा? बोलेगा मेरा बेटा। आप जरा रुकिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ बोल बेटा। ये वो बुक नहीं है, वो बुक दूसरी थी। सुना, वो दूसरी किताब थी। सर दुनिया की कोई भी किताब ले लो उसमें पेज नंबर 45-46 साथ साथ नहीं होते, हमेशा आगे पीछे होते हैं। सच में? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर जुर्म कबूल करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर हमने पकड़ा तो चोरी का इल्जाम लगेगा और हमें गुमराह करने का भी। हमारे ईमानदार सीआई साहब के सामने झूठ बोलने की 2 साल की सजा हो सकती है। सच बोलो। मैंने पैसे निकाले। पहले अपने बच्चे को संभालो उसके बाद दूसरे की कंप्लेंट करना। जी वेस्ट कर, सॉरी सर। निकले यहाँ से। ठीक है सर। चलो बेटा जूनियर। सर बोलिए सर। जल्दी ऐसा ही बन जाओगे, मेरे अंडर में रहकर तुम सही ट्रेन हो गए हो।
थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ पेज नंबर 45-46 सारी बुक्स में ऐसे ही होते हैं क्या? क्या बात सर, आपको भी नहीं पता? वो क्या हमारे वक्त पे जो है पेज नंबर प्रिंट नहीं हुआ करते थे। सैल्यूट कौन करेगा सर? क्लास लेके जाओ। ओके सर। चलो। जी जी। देखो माँ, कोई भी ढंग से ड्यूटी नहीं करता है, पुलिस की ड्यूटी का मजाक बना रखा है। क्या हुआ बेटा? छोड़ो ना, वैसे भी कितने दिन बचे हैं? 2 दिन के बाद देखना, जब मैं SI बन जाऊंगा ना तब मैं किसी भी केस को पेंडिंग नहीं रखूंगा, हिला कर रख दूंगा सारे स्टेशन को। हाँ वहाँ मैंने कंपोज क्या किया और यहाँ तुम नाच क्या रही हो? Do you have any idea who I am? I'm one of India's best choreographer. बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे। पता है, बहुत सारे। मैंने कॉस्ट्यूम। पिछले एक हफ्ते से मेहनत करके हमने ये गाना कंपोज किया और तुमने इस गाने का सत्यानाश करके रख दिया। मैंने जैसा बताया वैसा शॉट नहीं दिया तुमने। आपने जिस तरह बताया मैंने वैसे ही किया सर। आपने जैसे बताया मैंने वैसे ही किया, मुझे सिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैं दिखाऊँ क्या कर रही थी तुम? लग रहा था तुम्हें मिर्गी आ गई है। डांस इज मेंट टू हैव ग्रेस। ये हो गया कंपोजिशन। आप ग्रेट हो, लेकिन आपने तो ये कंपोज भी नहीं किया था। हा? अरे कंपोजिशन को मारो गोली, तुम मुझसे आकर मिलो, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। गेस्ट हाउस में क्या? अरे रिहर्सल के लिए बुला रहा हूँ, तो अपना काम कर। अगर गेस्ट हाउस पहले ही आ गई होती तो इतना हंगामा नहीं होता। दांत तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। क्या कहा तूने मुझे सफेद बंदरिया? ए, मुंह संभालो अपना। सफेद बंदरिया मैं नहीं, तुम भैंस की तरह काले सांड हो। ए, वो दूसरी डांसर को भेज। कमीने, कहीं औकात में रह, समझे? ये सब बराबर हो गया तो दोस्त क्यों नहीं रहा? ये थप्पड़ महंगा पड़ेगा। अब तो मैं भी देखता हूँ तो इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम कर पाएगी। अरे फिल्म तो क्या, तुझे सीरियल में भी काम नहीं करने दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे। ये इंडिया के टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर का वादा है। नमस्ते चाचा जी। टिकट नहीं, टैबलेट चाहिए, और वो भी कम से कम रोज के 60 केसेस। पुलिस की नौकरी में आने के बाद टैबलेट खाकर ही काम कर सकते हैं ताकि टेंशन झेल सके। ठीक है फोन रखो। ये आपका टिकट। अरे बेटा जूनियर, ये टिफिन की नौकरी छोड़कर पुलिस की ड्यूटी कब ज्वाइन करेगा? अच्छे से जानता हूँ, प्लीज जाने दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज जा, जा। सर, उसने मेरे सामने पुलिस वाले को लात मारी, इतनी हिम्मत उसकी? पैसे वाला है तो कुछ भी करेगा, पुलिस पर हाथ उठाएगा। ए, तू जानता भी है वो कौन है? वो कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हटो वहाँ से। पुलिस वाले है ना? अरे यार वो कमिश्नर का बेटा है, बात को समझता नहीं। कमिश्नर का बेटा बोले जा रहा है तो फिर उसे पुलिस की इज्जत करनी चाहिए ना। पहले आप कमिश्नर को फोन कीजिए, बताइए उसने क्या किया है। देख भाई, पुलिस में काम करने वाले पहले 10 साल तक तुम्हारे जैसे होते हैं और 10 साल के बाद वो मेरे जैसे बन जाते हैं, इस बात को दिमाग में डाल दे। लेकिन सर ये तो गलत है। सुन, पहले तू पुलिस बन जा, वो जो इंग्लिश में बार बार फेल हो रहा है ना उसमें पहले पास हो जा, सिलेक्ट हो जा और फिर बात कर। क्या दिमाग खा रहा है मेरा, अब जाना यहाँ से। चाचा जी, सिंघम का फैन हूँ मैं, पुलिस की नौकरी करने में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मैं दे दूंगा, पर आपके जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सॉरी बोलो इसे। क्यों? स्टूपिड, गलती तुम्हारी। भले ही वो छोटे हैं लेकिन है तो इंसान, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो यही सब अगर तुम बाहर जाकर करोगे तो लोगों के मन में तुम्हारे लिए इज्जत कैसे पैदा होगी? आर यू ओके? नाश्ता कर लिया तुमने? जाओ नहाओ और जाकर नाश्ता करो।
हाँ सर, हमने पता किया है, वो यूपी माफिया से कनेक्टेड है। हाँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी है, वी विल सॉल्व इट सून सर। या ओके सर, रख दो यहाँ। नायक सर इधर हो। अलेक्जेंडर का कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। गया कहाँ है ये? ना फोन उठा रहा है ना घर पर है। तुमने उसे देखा क्या? नो सर। उसका जो ड्राइवर है उसका नाम सीताराम है ना? यस सर। जरा उससे पता करो, उसके पास उसके बारे में जरूर कोई इन्फॉर्मेशन होगी। गेट हिम। यस सर। नमस्ते भाई साहब। हाँ, नमस्ते। कमिश्नर साहब ने सीताराम को तुरंत बुलाया है, वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। तो किसे मालूम? उसकी बेटी से पूछो, वो बता देगी। कहाँ है वो? जमुना दीदी आ गई। जमुना आ गई। ये पकड़ो, वो आ गई। रोज नई नई ड्रेस पहन कर आती है, पता नहीं आज क्या पहन कर आएगी। हर रोज एक नई ड्रेस। हाँ और क्या भाई, उसे क्या है, वो तो रोज नई नई कॉस्ट्यूम पहन के आती है। हाँ? चुप हो जाओ तुम लोग, उसे नजर लगाओगी क्या? तुम चुप हो जाओ दीदी। अच्छा तो ये बताओ कि उसने कल कौन सी ड्रेस पहनी थी? एकदम मस्त काउबॉय ड्रेस में आई थी। क्या कहा, काउबॉय? हाँ काउबॉय है। उससे पहले वो मछली पकड़ने वाली की ड्रेस में आई थी। मछली पकड़ने वाली? अरे उसका तो जवाब ही नहीं, एकदम मस्त राजस्थानी ड्रेस। कौन सी पहन कर आएगी है? अरे मुझे क्या पता, तुम खुद ही देख लो। इतनी अच्छी लग रही है कि इन सबकी नजर ना लगे तुझे। चलो अब तुम लोग जाओ ना, क्यों खड़े हो यहाँ पर, जाओ। थैंक यू सूरी भाई। थैंक्स दीदी। बाय जमुना। हाँ अंकल। कमिश्नर साहब ने तुम्हारे पिताजी को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुलाया है। कमिश्नर साहब ने? क्यों अंकल? कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना, वो पी के ड्यूटी पर जाते हैं ना, इसलिए कमिश्नर साहब ने उन्हें बुलाया है। पता करो वो कहाँ है। जल्दी आकर मिलने के लिए कहो। क्रीज पर डटे हुए हैं सचिन तेंदुलकर। अरे धोनी भैया। धोनी धोनी और धोनी ने उठा दिया है गेंद और ये गेंद हवा में है छह के लिए। हे बच्चों व्हाट्सअप? कुछ नहीं दीदी, आज की स्पेशल कमेंट्री दे रहे हैं रामा राव। रामा राव मस्ट बी क्रेजी नो। बाप रे, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। इस इंग्लिश की वजह से मेरी वाट लगी पड़ी है। जिसे देखो जहाँ देखो हर कोई बस अंग्रेजी के पीछे पड़ा है। सच में दीदी, इट्स वेरी हार्ड टू बेयर इट। अच्छा हिंदी में कमेंट्री करके मेरी जान निकल गई, वो भूल गया। ओके, हैव यू गाइस सीन माय पापा? नो। हाँ नहीं, मैं नहीं चलने वाला तुम्हारे साथ। एसआई साहब। अरे अरे बाप रे, ठीक है अब तो जाना ही पड़ेगा। कल तक तो अच्छे थे, ये जाना कहाँ गायब हो गए। और तुम फिक्र मत करो, वो पक्का कहीं पीकर पड़े होंगे। वो देखो वो रहे। अरे हाँ। पापा पापा चलो घर चलते, उठिए। संभल कर आजा। संभल कर आराम से धीरे। एक जमाना था जब लोग इन्हें बहुत इज्जत दिया करते थे, पर अचानक दारू की लत क्या लगी, सब कुछ बिगड़ गया। कानून पूरी तरह सो चुका है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, सब जानते हुए भी अंधा है। इस देश का कानून अंधा है, कुछ भी नहीं देखता, सुनता भी नहीं, फिर भी मेरा देश महान है, महान है। जमुना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पापा के साथ क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ऐसे क्यों हो गए, क्यों इतना पी रहे पता नहीं, कितना भी पूछो कुछ बताती ही नहीं है।
शहर से बीच रास्ते पर सोए पड़े रहते हैं वो, न जाने कब उन्हें क्या हो जाए। ये सोचकर भी मुझे डर लगता है। मेरी माँ तो नहीं है, अगर पापा को भी कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। चमना, चमना। अरे रे, लगता है कि किसी कुएं में कूद कर जान दे दूं। अब चुप हो जाओ। शायद वो किसी परेशानी में है पर बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बता देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए मरना चाहती हो? बस 2 महीने में मैं SI बन जाऊंगा, उसके बाद तो तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुम्हारे पापा भी हमारे साथ रहेंगे। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, ठीक है ना? तुम ठीक हो? मुझे नहीं किस चाहिए। नमस्ते, कैसे हो? इसका धंधा बढ़िया है, सबसे फ्री में काम करवा लेता है। नमस्ते मुख्तार भाई। मुख्तार भाई, सब ठीक तो चल रहा है ना? तबीयत पानी ठीक? अरे टाइम पर खाओगे तभी तो सही रहोगे। अरे तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, कुछ सोचा है? जब देखो तब मुस्कुराते रहते हो। एक छत्तीसगढ़ की बुकिंग आई है, उनको चाहिए बड़ा सा कुछ, जो यहाँ मारोगे तो वहाँ जाकर गिरेगा, ऐसा कुछ है? रॉकेट लॉन्चर। सही है, एक काम करो, 1 दर्जन भेजो। इसके बाद हमारे पास एक बंगाल की भी बुकिंग है मोबाइल बॉम्ब की, इसे 1/2 दर्जन भेजो। बस? बस से क्या होगा, यहाँ के लोग वहाँ पर बॉम्ब डालेंगे और बाद में वहाँ के लोग यहाँ पर बॉम्ब डालेंगे, इसकी बुकिंग भी हमारे पास ही आने वाली है। इसके अलावा भी और कुछ चाहिए? एक काम करो, चाइना के लिए 1000 पैकेट, यूनिवर्सिटी के लिए 1500, उसके बाद सिटी सेंटर के पीछे जो बार है उसके लिए 1000 चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गया, मिनिस्टर के लड़के का अगले महीने जन्मदिन है, उसके लिए 1 किलो चाहिए। 1 किलो क्या? अरे वही पैकेट। टोटल अमाउंट का 50% तुम्हारे अकाउंट पर डाल चुका हूँ, बाकी का मैं तुम्हें कैश में दे दूंगा। ठीक। ये बताओ डिलीवरी कब और कैसे दोगे? नेक्स्ट वीक। ऑल राइट। भाई याद तो रहेगा ना, ये सुरेश डीबी अगले हफ्ते ही है, बोलना मत। तू फिकर मत कर, काम हो जाएगा। भाई एक बात बोलूं, मैं तुम्हें इतना ज्यादा बिजनेस दे रहा हूँ तो मेरा कमीशन भी थोड़ा बढ़ना चाहिए ना। हाँ बढ़ा देता हूँ, तुम्हारी गाड़ी में एक मोबाइल बम रखवा देता हूँ, चलेगा ना? मुझे बख्श दो भाई। जल्दी चलो, मुझे फैशन शो के लिए देरी हो रही है, जिससे मेरी एंकर के लिए वेट कर रहे हैं। A very good evening to all you lovely and beautiful people. आराम से, सब देख रहे हैं। चुप हो जा ड्राइवर। SI साहब। समझ गए, जब तुम SI बन जाओगे तब हम पुलिस क्वार्टर्स में नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, अंधेरी या बांद्रा में अच्छे से 3 बेडरूम वाला फ्लैट ले लेंगे बस। उतरो, पहले उतरो तो सही। क्या हुआ? तुम्हें पता है SI की पगार कितनी होती है? कितनी? 28,315 रुपए मात्र। क्या? DA 15%, LCA, LLA, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, इन सबको मिलाकर बनती है ग्रॉस सैलरी 36,310 रुपए। बस इतनी? हाँ। तो फिर रिश्वत कितनी होगी? हेलो, क्या कहा रिश्वत? सिंघम का फैन हूँ मैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ पुलिस में रही है, मैं ईमानदारी की नौकरी करूंगा, रिश्वत लेना मुझसे नहीं होगा। हरिश्चंद्र की औलाद। A very good evening to all you lovely and gorgeous people of Mumbai. Neeru's is launching their brand new collection in an exclusive show just for you. And put your hands together for these pretty women in Neeru's.
क्या है? आप शो के बीच में जा रही हैं? माँ को हार्ट अटैक आया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मुझे जल्द से जल्द। आइए आइए। थैंक यू। ए रुक जाओ रुक जाओ। ए कौन है तू? ए सामान अंदर क्यों रख रहे हो? थैंक यू। बता पहले। इसमें छोड़ दीजिए प्लीज। ए किससे पूछ कर रखा? इमरजेंसी है, पहले अपनी ड्यूटी करो। कौन है तू? आप बताइए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है आपको? अपोलो। ऑटो में बैठो और ले जाओ इसे। ख्याल रखिएगा अपना। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दो। सेल्फी। अब अगर तुम अगर कुछ भी हरकत की तो सबको उठाकर जेल में डाल दूंगा। सेल फोन, लैपटॉप और हैंडबैग्स, जिस जिस का खो गया है एक लिस्ट बनाओ और लेडी कांस्टेबल को दे दो। तो बोले वो सुनो। तब मैं इसे अंदर डाल के। लेकिन सर मैंने तो कुछ किया नहीं सर। मैंने कहा चुप। मैं इससे सारा सच उगलवा कर आप लोगों का सारा सामान वापस कर दूंगा। ओके अब बता सच क्या है? सर मैं सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़। मैंने अगर तेरे ऊपर एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर दी तो पुलिस की नौकरी मिलने से रही। नहीं 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 एफआईआर मत लिखिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस कीजिए सर। देखो तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दो दिन में उस लड़की का पता चलना चाहिए और सेल फोन, लैपटॉप और बैग्स जो उसने चुराए हैं पुलिस स्टेशन में जमा होने चाहिए। हाँ सर। नहीं तो मैं एफआईआर करने वाला हूँ। ले जा, अरे जाना, मैं यहाँ सबसे मान लूंगा। बाप रे, टेंशन वाली फोटो फेसबुक पर अपलोड करता हूँ, अब इस पे लाइक्स आएंगे। देख रामाराव, इन सब से पीछा छुड़ा ले, 2 महीने बाद सिलेक्शन है, अगर उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मोबाइल काम नहीं करेगा जमुना, ये देखो यहाँ जैमर है। जैमर है? उसने कहा उसकी माँ हॉस्पिटल में है, सीरियस है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं उसकी बातों में आ गया सर। आप लोग मुझे चोर कह रहे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लड़की दिखती कैसी थी? हाइट है 5.7, साइज है 34, 34, 34, नहीं 36, हाँ, दोनों आंखें ब्राउन है, एथलेटिक बिल्ड, एकदम गोरी, एकदम झक्कास। कुछ ज्यादा ही डिटेल बता रहे हो। हाँ? तो तोड़ दूंगा, तुम्हें मजाक लग रहा है? उसने कहा उसकी माँ सीरियस है, तो मैंने ऑटो रुकवाया, उसके अंदर के पैसेंजर को बाहर निकाला, उसको अंदर बिठाया, उसके सामान को अंदर किया, फिर ड्राइवर की तस्वीर ली, उसके ऑटो की तस्वीर ली। मेरा नाम रमेश यादव है सर। क्या बताऊं? अरे वो चोर है, उसने डबल भाड़ा दिया है, ये आपको किसने बताया सर? बताओ। पुलिस वाले तो मारेंगे क्या? उसे कहाँ उतारा? किसे उतारा? उस लड़की को। किस लड़की को? अबे जिसको तेरी ऑटो में बिठाया था। कहाँ छोड़ा यार? याद आया, आईपीएस ऑफिसर कॉलोनी में। आईपीएस ऑफिसर कॉलोनी में? लगता है इसको भी छुरा लगा गई। अरे चोर चोर
बचाओ क्या हुआ? उस लड़की ने मेरा सब कुछ लूट लिया। तुम्हारी कार ले गई? तो यहाँ क्यों खड़े हो? उसका पीछा करते हैं ना। चलो चलो, अरे मुझे भी तो लेकर चलो। वो रही कार, तेरी तो पकड़ लिया। बाहर निकल, बाहर निकल, निकल, मैंने कहा निकल, निकल। Who are you? अच्छा, इंग्लिश है? तेरे इंग्लिश की ऐसी की तैसी। निकल। Don't touch me. चल निकल। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। चल। What are you doing? क्या कनक आइटम है? ये चोर है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ चलो। अरे कहाँ जा रही है? छोड़ो मुझे। देखो, तुम्हारी वजह से मुझ पर चोरी का इल्जाम है, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, सारे मोबाइल वापस करने पड़ेंगे। प्लीज सेल फोन मैन, प्लीज ब्रो। ब्रो क्यों? पुलिस के पास चलो यार। सुनो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, पुलिस के पास चलो, प्लीज प्लीज सुनो। हेल्प चाहिए? बाबरे, चलो यहाँ से निकल लेते हैं। ये तो लेडी कृष्ण। क्या कहा? वो लेडी कृष्ण? मैंने उसे पकड़ लिया था सर, लेकिन वो मुझे मारकर क्रिस की तरह उड़कर चली गई। चली क्या तुमने? मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, आपको इसकी नहीं पड़ी है, आपको बस फोटो की पड़ी है। क्या? अरे उसकी फोटो अगर तू एफबी पर डाल देता ना, तो अब तक 200 लाइक्स मिल गए होते। यहाँ किसी का घर जल गया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी फोटो भी एफबी पर डाल दूंगा और लिख दूंगा ये रिश्वत लेता है, फिर देखना कितने लाइक्स मिलते हैं। अरे तुम लड़कियाँ हो या शैतान? तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? हमारे सेल फोन मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। हमारा फोन बेच दिया क्या? नहीं नहीं। हेलो ब्रो, कुछ भी करके उनके सेल फोन उनको वापस कर दो वरना। देखो भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने फोन नहीं चुराया, मेरा यकीन करो प्लीज। कोई फिल्म का एक्टिंग कोर्स कर रहे हो क्या? भैया प्लीज, मेरा सेल फोन वापस कर दो प्लीज भैया। मैं सच कह रहा हूँ। इससे रिक्वेस्ट क्या कर रही है? चुपचाप हमारे फोन वापस कर ले, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या बात कर रही हो तुम? क्या हुआ तुम सबको? हमारा उस चोरी से कोई वास्ता नहीं है। हटो हटो। एक तो उसने चोरी की, ऊपर से सीना चोरी। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को चोर कैसे कहा? हमारे खानदान में आज तक किसी ने चोरी नहीं की है। इसके लिए तुम भी अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। क्यों अंदर जाओ? देखिए ब्रो, पैसे चाहिए तो ले लो, पर फोन जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फोन जाने का दुख नहीं है? हाँ जी, फोन पर सेक्सी इमेजेस, डर्टी तस्वीरें, बॉयफ्रेंड के वीडियो, ऐसा भांडा हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? अंदर जाओ प्लीज। देखिए मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। मुख्तार भाई, हाल किधर है रे? आपके लिए खास अफगानिस्तान से, एकदम फ्रेश फर्स्ट क्लास कोकेन। डार्लिंग अरे तू काफी दिन से मांग रहे थे ना आप। Hey, check it out. Yeah, क्या बात है। और ये इंपोर्टेड 5M जर्नी आपके लिए दिवाली प्रेजेंट। तू पागल हो गया? जान से मारेगा क्या? सुनो, कल नेपाल से माल आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, वही अपनी पुरानी जगह पर है ना, सीआई रमेश है ना। लाइटली ले, तू अपना काम कर। फिर मिलते हैं। जरा सामने तो खड़ा हो। राहुल मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे वो सारे वीडियोस दे दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मेरा फायदा उठा रहे हो। प्लीज राहुल,
प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे वीडियोस मुझे वापस दे दो, मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, प्लीज। ओके ओके ओके, दे दूंगा, नेक्स्ट वन दे दूंगा। पिछले 6 महीने से तुम यही कह रहे हो और तुमने आज तक नहीं दिए। तो नहीं दिया तो? हाँ नहीं दिया तो यहीं से मैं सीधा तुम्हारे डैडी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेबी चलो ना तो मेरे बाप से कहने वाली, मेरे बाप से कहेगी बेचारी ने सुसाइड कर लिया। नमस्ते मम्मी, क्या बात है, आज आप एकदम खूबसूरत लग रही हो। मम्मी पिछली बार मैंने जिसके बारे में कहा था ना, अरे वही रामा राव जूनियर सिंगम। तो जिस तरह पुलिस केस से तुमने उसे बाहर कर दिया, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश एग्जाम में पास करके उसे SI बनवा दो, ताकि मैं उसे शादी करके सेटल हो जाऊँ। प्लीज आई लव यू मम्मी। इस साल तो इंग्लिश में पास हो जाएगा ना। बीटी गॉट सम बटर, द बटर गॉट बिटर, बीटी गॉट सम मोर बटर टू मेक द बटर बेटर, बट द बेटर बटर ऑल्सो गॉट बिटर बिकॉज द बिटर बटर वॉज मच मोर पावरफुल देन द बेटर बटर। I can talk English, I can walk English, I can dance English, I can run English, I can write English. इस साल पास भी होऊंगा और SI भी बनूंगा। All the best. Bye bye bye. Mummy please इसे पास कर दो। हाँ उसी केस के सिलसिले में मैं आज कोर्ट जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। अरे शॉर्ट रेडी है, डांसर्स कहाँ है, उन्हें बुलाओ। इतना क्यों नाच रहे हो, हीरोइन की तरह सेपरेट कमरा नहीं दिया है, 10 डांसर हैं, कम से कम 1 घंटा लगेगा, डांस मास्टर को बोल दे। मैं क्यों जाकर बोलूं? दीदी डांस मास्टर दिमाग खा रहा है, चलो जल्दी। राम राम इंग्लिश में पास हो गया, थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, ओके बाय। ड्रेस तो कम से कम बदलो दीदी। नहीं राम राव को पुलिस वालों की ड्रेस से बहुत लगाव है, अगर मैं ये खबर उसे इस यूनिफॉर्म में दूंगी तो वो मुझे कस कर गले लगाएगा और एक प्यारी सी किस भी देगा। नहीं, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। घर पर अपने पतियों को अकेला छोड़कर यहाँ पर तुम लोगों ने पंचायत लगा रखी है क्या? खाना खजाना सबके साथ, घर पर तो चूल्हा भी नहीं जलाते। चुपचाप यहाँ से निकलो नहीं तो एक एक को मार के सीधा कर दूंगी। तुमने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? उतार, जल्दी उतार, उतार वरना मैं खुद उतार दूंगा। उतार, नहीं उतार, जमुना जमुना उतार, ये गलत बात है। पुलिस की यूनिफॉर्म तुम कैसे पहन सकती है? क्या कर रहे हो? निकाल ये शर्ट। भी उतार दोगे क्या? अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक अच्छी सी न्यूज़ सुनाऊंगी और साथ में पैंट भी उतारूंगी, चलेगा? ये क्या बोल रही है, ये गलत है। ठीक है तो तुम्हें निकालो। हा? निकालो, नहीं निकालो, मुझे गुस्सा आ रहा है। निकालो ना। चला जबरा, पुलिस की यूनिफॉर्म पहननी है तो उसके लायक बनना भी पड़ता है, कोई भी नहीं पहन सकता ऐसे। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी कांग्रेचुलेशंस, तू इंग्लिश में पास हो गया। मैं इंग्लिश में पास हो गया। हमसे पहले बता दिया, इनकी वजह से मेरी किस मिस हो गई, छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को मैं। हे तुमने रिटन टेस्ट पास किया है, अभी फिजिकल टेस्ट बाकी है, उसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर्डल्स, शॉट पुट, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, एक बार आके सब देख लो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कुछ भी हो जाए मैं SI बन के रहूंगा।
वो पुलिस वाला है ही नहीं, किसी कांस्टेबल का बेटा है, नाम है रामा राव, अपनी माँ के साथ पुलिस क्वार्टर्स में रहता है, सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी में लगा हुआ है। That's interesting. वो पुलिस वाला बनेगा। हे माँ भद्रकाली, हे माँ दुर्गा, मेरे बेटे को आशीर्वाद देना। मामा 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 सुनो, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ और मैंने दर्शन भी कर लिया, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, हमारे खानदान की परंपरा है कि पुलिस में भर्ती होना। अब बस करो आंटी। सुनो, एसआई बनकर जल्दी आना। चले। सर, प्लीज अपने पाँव उठाइए सर। सर ये प्लीज, सर ये फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर प्लीज सर, सर ये मुझे दे दीजिए सर। सर प्लीज 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 सर। मुझसे ही पंगा लेगा? वही मिला था तुझे? पागल समझा क्या मुझे? नहीं सर, नहीं सर। फाइल चाहिए तुझे? दे दीजिए सर। सर फाइल चाहिए? सर मेरी फाइल दीजिए सर। सर प्लीज मेरी फाइल दीजिए सर। सर प्लीज सर दे दीजिए सर। सर प्लीज सर मेरी फाइल दीजिए। ये ले सर, मेरी फाइल दे दीजिए प्लीज सर। प्लीज ये ले, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर 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 वो फाइल दे दीजिए सर। सर मुझे इंटरव्यू में जाना है सर, लेट हो जाएगा सर। सर मुझे पुलिस बनना है सर, प्लीज। पुलिस वाला बनेगा, ले बन। सर खोलिए, सर खोलिए, सर सर प्लीज खोलिए। तुम इस तरह नहीं आ सकते। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। चाचा जी, चाचा जी, नॉट अलाउड। चाचा जी,
मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए थे मुझे, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए उन्होंने मेरी फाइल भी जला दी चाचा जी, मुझे रहने दीजिए। वोटिंग टाइम इज 10, यू आर ऑलरेडी लेट बाय 1 आवर, नो चांस चाचा जी। गो गो, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है चाचा जी, इस बार मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा चाचा जी। इस बार मैंने अच्छे से तैयारी की है, मैंने अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर ली है। दिखाता हूं, पुलिस इज अ फोर्स ऑफ पैशन टू सर्व द पीपल विद कंपैशन, पुलिस इज द वेपन ऑफ द नेशन टू फाइट करप्शन, पुलिस इज द सिटीजंस फर्स्ट ऑप्शन टू गिव देम अ सॉल्यूशन, पुलिस इज अ सर्विस इट्स अ कॉमन मैन लेजिस्लेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुलिस इज द गॉड्स रियल इनकार्नेशन। चाचा जी मेरे सही कह रहे चाचा जी, सिर्फ इतना ही, मैंने फिजिकल भी अच्छे से प्रिपेयर किया है, लॉन्ग जंप हाई जंप सब कुछ अच्छे से तैयार किया है, मार्च पास भी सीख लिया है मैंने, इंटरव्यू में जो पूछेंगे सब बता दूंगा। चाचा जी ये देखिए, सैल्यूट स्टैंडर्ड इज अटेंशन, सैल्यूट टर्न राइट टर्न लेफ्ट टर्न अराउंड सैल्यूट। चाचा जी मैं सब सीख कर आया हूं, मैं पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे एक मौका चाहिए चाचा जी, प्लीज चाचा जी गेट खोल दीजिए चाचा जी, चाचा जी चाचा जी ये गेट खोल दीजिए चाचा जी, प्लीज चाचा जी प्लीज प्लीज। मैंने तुमसे जो कहा वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो आई लूज माय जॉब, जाओ जाओ यहाँ से चाचा, जाओ जी, चाचा जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ चाचा जी, प्लीज ये गेट खोल दीजिए चाचा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ चाचा जी, चाचा जी चाचा जी, अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं पुलिस नहीं बन पाया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी चाचा जी, प्लीज प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज चाचा जी, चाचा जी प्लीज चाचा जी, चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी प्लीज चाचा जी चाचा जी चाचा जी ये गेट खोल दीजिए। मैंने आपके खानदान में जन्म लिया, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मैं पुलिस नहीं बन पाया तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। हमारे खानदान में आज तक जो भी मरा है देश की सेवा करते हुए ही मरा है। ओके, बम कहाँ है? वहाँ है। अच्छा, लेकिन तू वहाँ क्यों जा रहा है? अरे वहाँ पर बम रखा हुआ है, तू भी मर जाएगा। आजकल सभी पागल हो गए हैं, लगता है ये भी उनमें से है। अरे वहाँ मत जा। बेटा उठा ले, बात कर ले उससे एक बार बेटा, बात कर ले, माँ, अरे बेटा तुझे
मौसम। बेटा कैसा है तू? बेटा परीक्षा में पास हो गया, ऐसा ही बन गया। तेरे पापा होते तो कितना खुश होते। पता है तेरे पास होने की खुशी में मैं ना सबके साथ मिलकर लड्डू बना रही हूँ। तू जल्दी आ जा बेटा। अब तो फेंक दे बेटा, अपनी माँ की खातिर फेंक दे उसे। तू इंस्पेक्टर नहीं बना तो क्या हुआ? तू पुलिस है और रहेगा। तेरी रगों में पुलिस का खून है। तू सिलेक्ट हो या ना हो, मेरे लिए तो पुलिस वाला ही है। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान देने जा रहा था। तूने कभी सोचा कि तेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? जीते जी मर जाएंगे वो। कभी तुमने ये सोचा? कभी मेरे बारे में सोचा? तुम मुझसे एक वादा करो, कभी ऐसा नहीं करोगे? नहीं करूंगा मां, नहीं करूंगा। कभी ऐसा मत करना, ठीक है ना? लाओ इधर लाओ। क्या रामा राव, तुम ऐसा ही नहीं बने तो क्या हुआ? ये मरने बॉक्स में क्या है? अब इसमें मेरे शूटिंग का ड्रेस है, कल गाने का शूट है। शूटिंग का ड्रेस है तो उस पर मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है? नहीं दिखाओ मुझे, मुझे देखना है। अब मैं ये ड्रेस जिंदगी में कभी नहीं पहन सकता, कभी भी नहीं पहन सकता। बस इसे मैं एक बार पहन लेता हूं, इसे पहनकर देखना चाहता कि पहनने के बाद कैसा लगता है। बस आखिरी बार, उसके बाद मैं नहीं पहनूंगा। कहाँ से आए कुछ पता? ये कौन से एरिया से होगा? नहीं पता। हाँ सर, चल अंदर चल जल्दी। सुनो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे इसे क्या होगा? देखा बेटा, जो पुलिस सबकी रक्षा करती है उसी की सुरक्षा आज खतरे में है। और यही सच है, 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर में पुलिस वाले कितने हैं पता है? बताऊंगा तो ताज्जुब होगा, सिर्फ 90,000। उसमें से कुछ लोग पैसे वाले और मिनिस्टर लोगों के हिफाजत में लगे हैं, और बाकी के आधे लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और क्राइम। यहाँ जहाँ भी देखो हर जगह चोरी, किडनैपिंग, बलात्कार,
पैसों के लिए मर्डर, सियासत के लिए बॉम्ब ब्लास्ट और जातिवाद के लिए आतंकवादी हमले, इन सब के लिए तो लाखों पुलिस वाले चाहिए, और इसीलिए एवरी पुलिस इज अ सिटीजन इन यूनिफॉर्म एंड एवरी सिटीजन इज अ पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म। हर आम आदमी एक पुलिस वाला है और हर पुलिस वाला एक आम आदमी है। प्रजा की रक्षा करती है पुलिस, पुलिस और पुलिस की नौकरी के लिए वर्दी नहीं ठीकर चाहिए। पुलिस का मतलब होता है हनुमान जी। आज वो सियाई मोहनदास भी तुम्हें पहचान नहीं पाए। अगर वो पहचान जाते ना तो अब तक तुम्हें फेसबुक पर बदनाम कर देते। ऐसे पुलिस वाले नहीं, जान देने वाले पुलिस वाले चाहिए। आप सही कह रहे हैं अंकल, इस शहर में सच्चे पुलिस वाले नहीं होने की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं। मैं वहां जाऊंगा जहां पुलिस नहीं आती, इस तरह मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में लोगों की मदद कर सकता हूं। बैंड बजा देना बेटा। ये पुलिस वाला कहां से आ गया? गाड़ी क्यों नहीं रोकी? गाड़ी रोकी ना साहब। नंबर प्लेट टूटी क्यों है? ठीक कर देता हूं साहब। ए जल्दी गंदे, इन डब्बों में क्या है? इसमें फ्रूट्स है साहब। लाइसेंस देखा? अरे साहब गरीब आदमी छोड़ दो साहब। आरसी बुक कहां है साहब? रहम करो साहब। निकाल निकाल, चल जल्दी जो बोला कर। इंस्पेक्टर अफजल को फोन करो। सुनो, पहले तो डॉक्टर्स को वहां भेजो और जितनी जल्दी हो सके पुलिस फोर्स भी वहां भेजो। इंटेलिजेंस को फोन करो। फोन लगा गया, लो। हेलो, कौन बोल रहे हो?
रमेश सुनो, जख्मी कितने वहाँ? डोंट वेस्ट टाइम, आसपास जितने भी एम्बुलेंस है सबको फोन करके बुलाओ। आई डोंट वांट एनी मोर कैजुअलिटीज, डू यू अंडरस्टैंड? या इंटेलिजेंस से बात। क्या है ये मीडिया वाले, कैसे इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं? ये सारे फुटेज। ए होल्ड होल्ड होल्ड, रिवाइंड 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 रिवाइंड। ये कौन पुलिस वाला दौड़ रहा है? बैक, गो बैक, गो बैक, फ्रीज फ्रीज फ्रीज, जूम इन टू नेम प्लेट। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वहां क्या कर रहा है? शहर के बीचों बीच एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारी जाने गई हैं, लेकिन पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस का मानना What है कि इसके बहुत बड़े गिरोह का हाथ है। I said, What the hell is happening? Center of the city. सवेरे सवेरे इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, पता नहीं कितने लोग मर गए और कितने घायल हो गए। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मेटल डिटेक्टर्स, पुलिस वाले ऐसे नॉट पिकिंग विद मी नाउ। कार चाहिए, वैन चाहिए, और हर साल पुलिस स्टेशन में लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, और पता नहीं क्या क्या दिया जाता है तुम्हें। हर साल तुम्हारा बजट होता है 4,500 crores। और करते क्या हो? पुलिस का मतलब यूनिफॉर्म पहनकर, बैच लगाकर, टोपी पहनकर रोप झाड़ना नहीं होता है। और ये मीडिया वाले, इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने का। यहाँ बार बार सीएम फोन करता है, सेंटर से प्रेशर लगाता है। होम मिनिस्टर हूँ, सारे जवाब देने पड़ते हैं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम और तुम्हारे पुलिस वाले मिलकर क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी सर। आपका गुस्सा जायज है, पर मेरी बात भी सुनिए। शहर के अंदर इतने सारे पुलिस वाले बैज लगाकर सिर्फ कुर्सियों में बैठने की तनख्वाह नहीं लेते हैं सर, जिप कतरों से लेकर इंटरनेशनल स्कैम सबका पर्दाफाश करते हैं ये। उसके बावजूद हम पुलिस वालों को अंत में सबकी गालियां ही सुननी पड़ती हैं। सब ये भूल जाते हैं कि हर क्राइम को सिर्फ पुलिस वाला ही सॉल्व करता है। Yes, I accept. इस ब्लास्ट केस में हम जरा स्लो हो गए, पर फेल नहीं हुए सर। एक क्लू हमें मिल चुका है और हमारी पूरी टीम उसके पीछे पड़ चुकी है। वो किसी भी बिल में क्यों ना छुपे बैठे हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे सर। जस्ट बिलीव अस, और कोई चॉइस नहीं है। ये बोरी कैसी है? कहीं हजार के नोट वाली तो नहीं? थोड़ी देर चुप बैठोगे आप? इतने पैसे लेकिन आए कहाँ? अरे ये दम घुटने से कहीं मर तो नहीं गया? अरे बाप, मैं देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ। अरे रुको, मैं देखता हूँ। सांस चल तो रही है ना? नहीं। मरा तो नहीं ना? माँ तू अपना मुंह बंद रख, चुप। इसकी सांस बंद है। अरे ये मर गया क्या? मैं करके तू चुप रह, तू जा, तू जा जा। पता नहीं क्या हो गया। अरे कौन हम? अरे रुको ना, मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अरे तो तुम? अरे वाह, तुम घर पे ही हो? क्या? दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे? हाँ आंटी, कहाँ? आंटी माँ नहीं है, बाद में आना, जाओ। आंटी नहीं है तो मैं अंदर आ जाऊँ? तुम पागल हो क्या? बाद में आना। अरे इतना गुस्सा क्यों होते हो? और अंदर क्या कर रहे थे? आंटी का? आंटी निकलो बाहर। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? नहीं समझ में आता, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? मेरा घर है, मेरी मर्जी, तुम अंदर नहीं आ सकती बस। मतलब तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो? भाग यहाँ से, बोलो ना, अंदर मत आना, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। मतलब हम शादी भी नहीं कर रहे क्या? यार आपकी दही कर दी इसने, बताओ ना। तुमसे शादी, और वो भी मैं? बस मेरी जिंदगी में शादी की कमी रह गई थी, पुलिस की नौकरी तो हाथ से जा चुकी है। तुमसे शादी करूंगा तो रास्ते पर आ जाऊंगा। बनौती हो तुम, टॉर्चर हो। बस करो, एक काम करो, अपनी पसंद का कोई जूनियर आर्टिस्ट या फिर कोई डांसर ढूंढ लो और शादी कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो यार। ऑल द बेस्ट, जाओ यहाँ से। तुम भी बड़े टॉर्चर हो, बहुत बड़े पर्वती हो तुम, पागल गई के? हाँ बोलो, क्या है? शूटिंग है क्या? अच्छा मैं आती हूँ। तुमने उससे ऐसे क्यों बात की? सच में तुम उससे शादी नहीं करोगे?
माँ मैं उसी से शादी करूंगा। अंकल प्लीज आप तो मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, मुझे टेंशन हो रही है। हम उस मरे हुए इंसान का क्या करेंगे? हाँ उस लाश का क्या करेंगे? डेड बॉडी को ठिकाने तो लगाना हो। बोल रहे साले, अंकल कैसे पकड़ी है? इसके लिए कुछ चाय कॉफी लाऊं क्या? हाँ शक्कर डालो या बिना शक्कर के? वो बहुत देर से बोरी में बंद था ना, तो इसीलिए सोच। अरे क्या बकवास कर रहे हो, जा यहाँ से और दरवाजा बंद कर देना। उस दिन 10 लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारकर अपने आप को झांसी की रानी समझ रही थी, ये क्या मुझे दे चाय? फोन किसे फोन करेगी यहाँ? ये मेरा एरिया है, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा यहाँ पर। ए पकड़, अब मैं तेरा रेप कर दूँ। नहीं नहीं तेरा तो गैंग रेप होना चाहिए। मैं तेरे से शादी करूंगा और हर रात एक अलग तरीके से टॉर्चर करूंगा। मैं पैकअप के बाद आऊंगा, स्वागत में मिलते हैं। ए ध्यान रखना कहीं भागने न पाए। अरे ये है कौन यार? दरअसल गाड़ी यही चला रहा था और बैक सीट पर बॉम्ब रखे थे। hey, तुझे इतना आरडीएक्स कहां से मिला? तुम आरडीएक्स बनाते हो क्या? फोन आ रहा है। hey, रामराव अब तो खुश हो गए हो ना? मेरा डांस मास्टर यहाँ आया था, उसने मुझे घस के मारा और शूटिंग मैन में बंद करके रखा। इसकी तुम मैं कहते है कि वो मेरा रेप करने वाला है। म्यूजिक रोल कैमरा 5 6 7 8 ये नो मैं देख रहा हूं। जस्ट जस्ट चक जस्ट जस्ट चक जस्ट 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 चक जस्ट जस्ट जोर से क्यों मार रही हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मेहरबानी पर मैं जिंदा रहूंगी? हाँ एक तो तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो। कह रहे थे मैं पनवती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को जी लूंगी। तुम भाई खींच के चल मेरे साथ। What the duck is going on? Who the duck are you? Duck are you? Do you have the ducking idea who I am? क्या होता है? Donald Duck? अच्छा, पर इसकी शक्ल तुम ऐसे सी। हेलो हेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की को मुझसे ऐसे ही छीन के ले जाओगे? हाँ अरे मारने को कहा था, सब लोग डांस करने लग गए, जाकर मारो। कर दो भैया। क्या बे, क्या बोला? रेप करेगा? क्या रेप करेगा? गैंग रेप करेगा? गैंग रेप? तू इससे शादी करेगा क्या? शादी नहीं, कमीने कहीं के। पता है इससे शादी कौन करने वाला है? मैं करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ। तुम करने वाले हो? अरे साहब, साहब ये क्या करे? अंकल जरा कनेक्ट करना। नहीं नहीं सब, नहीं सब। हाँ कर रहा हूँ बेटा। अरे करंट दोगे तो ये मर जाएगा। अरे तो मर जाओगे, जो ये कहते बता दो ना। सच में कुछ नहीं पता। तुम बाहर जाओ, जल्दी जाओ। अंकल लगाइए आप। लगाओ ना। अरे नहीं नहीं, लगाओ ना। ऐसा मत करना साहब। लगा दिया। अरे मर जाएगा। बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। नहीं, उन लोगों ने स्पाइस रेस्टोरेंट के पीछे कार रखने के लिए बोला था साहब। Oh, my God.
आपको पुलिस का हवाले कर दो। अलेक्जेंडर, आपसे बात करने के बाद मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। बाद में मुझे मेरी बेटी ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया सर। डॉक्टर ने बताया कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम है सर। फिर मैंने ड्यूटी पर आना छोड़ दिया सर। तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड हो? अलेक्जेंडर की यूनिफॉर्म तुम्हें कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं फिल्मों में डांस असिस्टेंट सर, और मैं बताता हूँ, ये मेरा दामाद है। ये पुलिस में भर्ती होना चाहता था, भर्ती नहीं हो पाया तो सुसाइड करने चला गया। इसीलिए अलेक्जेंडर सर की यूनिफॉर्म मैंने उसे पहना दी सर। गलती हो गई मुझसे सर। कहाँ है अलेक्जेंडर? अगर अगली बार पुलिस यूनिफॉर्म में दिखे ना तो तुम्हें मार डालूंगा। इडियट्स।
अंकल आपने वहाँ झूठ क्यों बोला? झूठ बोला? मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे सब कुछ पता है, आपने कमिश्नर के सामने सब कुछ झूठ कहा अंकल। मैंने झूठ नहीं कहा। ये अलेक्जेंडर कौन है अंकल? डीएसपी। तो फिर उसका नाम लेने के बाद वहाँ मौजूद हर कोई शॉक क्यों हो गया था? जरूर आप दोनों ने मिलकर कोई क्राइम किया होगा। क्या आप भी क्रिमिनल हैं अंकल? क्या वो भी क्रिमिनल था? आप दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया होगा। अलेक्जेंडर सर कौन थे पता है तुम्हें? इस शहर में जुर्म का नामो निशान मिटाने वाले सिंह नाम थे वो। इजी इजी बीबी इजी। होल्ड द गन, शोल्डर टाइट, टेक अ डीप ब्रेथ। कौन सा परफ्यूम है? इट्स वेरी नाइस। घबरा मत, एम, फोकस, फायर, परफेक्ट। आर यू रेडी नाउ? यस बेबी, उन पर निशाना लगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्ची फिर से डर जाएगी। कम ऑन बेबी। इंसानों को मारना गलत है, लेकिन हैवानों को मारना नहीं। एक बार याद करो कि इन लोगों के गंदे हाथों ने तुम्हें कहां कहां छुआ था। कुछ भी हो जाए मैं संभालूंगा। कम ऑन शूट। अलेक्जेंडर सर की स्टाइल। इन क्रिमिनल्स पर केस करो, पालो पोसो, इससे बेहतर है कि इन्हें इस तरह से गाड़ दो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलजा के केस में पुलिस को चार संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश है, जिनके बारे में सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मैटर को ऐसे ही प्रेस में दे दूं सर? झूठ किस लिए बोलना, कह देंगे हमें एनकाउंटर किया था। इन कमीनों को ऐसे ही ठिकाने लगाया जाता है। आप भी ना। मर गए सीताराम जी। सर ये तो अपनी मैडम है। क्यों पीटा उनको? अगले 5-6 महीनों तक उठ नहीं पाएंगे वो। Shut up. See? छोटे-छोटे बच्चों को ड्रग्स का नशा करा रहे थे, उनकी जिंदगी से खेल रहे थे। I want to shoot them on the spot. Right, baby. लेकिन हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, इनके ऊपर जो लोग हैं उन सब से है। उन पर हमला किया तो इन जैसे लोग ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएंगे। उफ, भूल गया। What? अरे आधा दिन खत्म हो गया और तुमने पप्पी नहीं दी। जल्दी से दो 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 दो। छोटे बच्चे, अभी तो सिर्फ खेलने कूदने के दिन थे उन बच्चों के, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उनके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और न जाने कितने ही देश। इसलिए ये डेगा टीम, डेगा टीम, डेगा टीम, डेगा टीम। कोई भी हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे उस जगह पर मैं ही क्यों ना हूँ, डेगा टीम का मतलब है नो FIR, सीधा एनकाउंटर। घर से कांप रहे लोगों को इन तारों को देखकर हौसला मिलना चाहिए। जिन पर लोगों को भरोसा है वही तारे हैं पुलिस वाले। इन सितारों पर हमें गर्व है, क्यों? Yes, sir. Thank you. अलेक्जेंडर कहाँ है? सर। मैं अलेक्जेंडर को डेगा टीम का चीफ अपॉइंट करता हूँ। Yes, sir. इस मिशन में आपकी जान जा सकती है और घर के लोग अनाथ भी हो सकते हैं। आर यू रेडी? Yes, sir. That's the spirit. Yes, sir. And listen,
I am going to retire in the next 6 months, that is 180 days. And my wish is to end this nonsense and this bloodshed. मेरे 30 सालों की सर्विस एक तरफ और ऑपरेशन डेगा एक तरफ. And before I retire, I want to go with satisfaction. And I expect you, the Dega team, to give me that gift. Are you ready? Yes, sir. Thank you. Sir, मैंने कोई भी गलती नहीं की. Please, मुझे छोड़ दीजिए. Sir, sir, मैं आपको कैसे बताऊं? वो जो सस्पेक्ट था ना, उसने अभी-अभी सुसाइड कर लिया. Sorry, sir. Sir. Sir, 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 sir. सब कुछ बताता हूँ. मैंने सारा RDX विजय जी के पास रखा है ताकि मैं मार्केट में बम लगा सकूं. मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया ना. मैंने कमिश्नर साहब से कह दिया कि तुमने सुसाइड कर लिया, अब तुम्हें मरना ही होगा. उसे मारना जरूरी था क्या? अभी तो ड्यूटी शुरू की है सर, कुछ दिन तो असली काम कर लेने दीजिए, इसके बाद आपकी तरह फाइल उठाकर घूमना ही है. बदमाश कहेगा. कैसे हो राहुल? हाय डैड. देखो, कुछ सीखो इससे. कमिश्नर का बेटा कैसा होना चाहिए इससे सीखो. लुक एट योरसेल्फ. बार, दारू, फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्टिंग, दैट्स नॉट लाइफ. बिकम समथिंग. बी अ प्राइड टू द फैमिली, टू द नेशन, डोंट बी अ पैरासाइट. यहाँ क्यों आए हो? पैसे चाहिए? XML लोगों को लड़ाने वाला. रायलसीमा के कई मर्डर केसेस में इसका नाम है सर. ऑर्डर सर. क्या करना है पता है ना? दोबारा दिखनी नहीं चाहिए. सर. हाय ब्रो, क्या हाल है? ठीक तो हो ना? चल निकल यहां से. कूल ब्रो, टेक केयर. मुझे इससे नफरत है. देखा कैसे घूर रहा था? मन करता उसे जान से मार दूं. अरे वो पिए हुए है मैडम, आप भी कहां उसे लेकर बैठ गए. बास्टर्ड. अरे इतनी गर्म क्यों हो रही हो बेबी? कमिश्नर साहब का इकलौता लड़का है वो, मेरे छोटे भाई जैसा है. सिर्फ रास्ता भटक गया, ठीक हो जाएगा. उसे समझा बुझा कर सही रास्ते पे ले आऊंगा. हर वक्त सिर्फ मारपीट ही करना करेक्ट नहीं है. चलते हैं. और कमिश्नर साहब से इस बारे में कुछ नहीं कहना, उनका दिल टूट जाएगा. लेफ्ट लेना बाद में, अभी राइट, बस इतना ही ना. नॉट नाउ एलेक्स. Keep quiet. निकालो ना. What? Shh. No, please. No. क्या कर रहे हो? Behave yourself. Please. बम है? नहीं सर. कैसे हो बेटा, खेल रहे थे? आओ इंस्पेक्टर, किस लिए आए हो? भाभी आप बच्चों को जरा अंदर ले जाइए प्लीज, अब बताता हूँ तुम्हें. अरे क्या 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 चाहिए तुमको? क्यों फेंक रहे हो सब? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है. अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि शहर में जो धमाका हुआ उसके लिए माल तुमने कहाँ से? बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको. Alexander, IPS officer.
इंडियन पुलिस सर्विस? नहीं नहीं, तुम्हें तो चूड़ी। इसे पता नहीं है कि इसने किससे पंगा ले लिया है। पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेने का। एम्बुलेंस को फोन करूं मैडम? नंगा करके मारूंगा, समझा बे चूरन। IPS इंडियन चूरन। तुम जैसे कमीने लोगों से लोगों को बचाने के लिए हम हैं इंडियन प्रोटेक्शन सर्विस। कौन है वो? मुख्तार, मुख्तार। कहाँ रहता है वो? मुंबई में 9848456780। सर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? ऐसा क्या हुआ? अरे सर, यहाँ पर भूचाल आ गया है। आइए चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा आपने, दोनों चोर हैं। इसका नाम है अलेक्जेंडर, मेरा बड़ा बेटा समझ लीजिए। मुझे अपने बेटे पर जितना विश्वास नहीं है उससे ज्यादा अलेक्जेंडर पर विश्वास है। इसलिए आंखें बंद करके आप अपनी बेटी की शादी इससे कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। सर, हमें आप पर भरोसा है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सर डेगा, देखो पुलिस की नौकरी में सुख और दुख कब आते जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो शादी कैंसिल कर। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। आगे लाइन पर। पहले तुम दोनों उनके पैर छूइए, बाद में हमारे पैर छू लेना। नो 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 नो। पुलिस जब तक अपनी यूनिफॉर्म में है सिर्फ भगवान के सामने सर झुका सकता है। Got it? Yes, sir. We'll take a selfie. Yeah. Sure. Sitaram. Why? Alex, we are getting married. Oh my God, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक ही घर में हम दोनों, एक ही कबर्ड में दो यूनिफॉर्म्स, एक ही ड्रॉर में दो दो गन्स, और एक ही बेड में हम दोनों। I'm so happy. मेरे पापा एक चोर थे। What? मैं एक बहुत ही बड़े चोरों के खानदान में पैदा हुआ। मेरे पापा पैसों के लिए चोरी के अलावा कत्ल करने का काम भी करते थे। हर वक्त मुझे भी साथ ले जाया करते थे। उस वक्त हमारे कमिश्नर साहब एसपी हुआ करते थे। एक बार मेरे पापा ने एक परिवार को लूटा और उसे मारकर जब भाग रहे थे तो एसपी साहब ने उन्हें मार दिया। लेकिन मुझ जैसे अनाथ को पाला पोसा, हॉस्टल में मेरी पढ़ाई करवाई, मुझे पुलिस में भर्ती करवाया। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कमिश्नर साहब से बदला लेना है या फिर वो ही करना है जो मेरे पापा किया करते थे, यानी लोगों को लूटना मारना। इस बात को लेकर मैं कंफ्यूज था। बड़ा होकर समझा कि कमिश्नर साहब ही सही हैं। मैंने बहुत मेहनत की और पुलिस ऑफिसर बना, और इसीलिए कमिश्नर साहब मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं। और आजकल उनकी नजर बम ब्लास्ट करने वालों पर है, लेकिन वो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। मैं कैसे भी इस केस को क्रैक करके उनको रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहता हूँ, और इसमें मेरी जान भी जा सकती है। Shut up. पहले मेरी बात तो सुनो जान।
अगर मैं मर गया तो मेरी तरफ से तुम इस केस को सॉल्व करोगी, करोगे ना? ओके। माय गॉड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। छोड़ो। हे, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार, पुराने शहर में कोई हलचल करने वाला है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आया। राउंड हिम अप, बट बी केयरफुल, उसे जिंदा पकड़ना होगा। ओके? उसके सारे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का पता करना होगा। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलने के बाद डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट शूट हिम। वो देखो मुख्तार भाई, शौक हो रही हूँ अपने आप को देखकर। एंगेजमेंट है ना बेबी, तो ऐसा होता है। आ रहा हूँ, ठीक है? Come fast, I can't wait. भाग जा कमीना। ये लीजिए। ये क्या लेके आए हो? ये खानदानी कपड़े हैं ना, आज आपकी मंगनी है तो यही पहनना होगा आपको। एक पुलिस वाला ऐसे कपड़े पहनेगा तो कैसा लगेगा? मैं यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, एकदम पावरफुल लगूंगा। अरे आप मरवा देंगे, ये हमारी परंपरा है, इसे एक बार पहनकर तो देखिए, मस्त लगेगा आप पर। जल्दी चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं है? नहीं है सर। हे ब्रो, क्या हुआ, यहाँ कैसे? ब्रो, छोटी सी प्रॉब्लम है, पर्सनली बात करनी है ब्रो। सर मैं बाहर इंतजार करता हूँ। कम ये क्यों आया है यहाँ? ये हार रखे है। वो नेकलेस का है? हाँ बस अभी दिया। उसे ट्राई किया या नहीं? ये आप जी। यूनिफॉर्म पहन के कहाँ जा रहे हैं सर? आधे घंटे में आ जाऊंगा ना। लेकिन हाँ। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं सबके। उनसे कह देना मैं निकल गया हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा। आजा तू। सर सर सीताराम। नहीं सीताराम, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर सर सर, अरे मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है यहाँ। निकल रहे हैं सर, जल्दी पहुँचो तुम लोग। बस निकल गए सर, ऑन द वे है। वो लोग निकल गए, आ ही रहे हैं। जी अच्छा। मैंने तो कह दिया कि निकल गए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई अता पता नहीं। अब ये किसका फोन है? हेलो, क्या कहा? कहाँ? क्या कह रहे हो? हमारे अलेक्जेंडर सर, नशे में तो नहीं हो तुम? ठीक है, अगर ये बात सच नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, समझ गए? किसे मार रहे हो? ये हमारे एसपी साहब हैं। सर क्या हो गया आपको? आप होश में तो हैं? सर क्या हुआ? सर देखिए ना, मैं सीताराम। हाय सीताराम, आप हैं सर? हाँ सर मैं ही हूँ। ये एंगेजमेंट में चले गया। और मैं भाग रहा हूँ, सब लोग भागो। दोनों को फोन ट्राई कर रहे हैं, सीताराम और अलेक्जेंडर दोनों फोन नहीं उठा रहे। थोड़ी देर पहले सीताराम ने कहा कि वो लोग निकल रहे हैं, तो फिर गए कहाँ वो लोग?
सर, सर ये किसने रखा सर? सर मुझे बताइए ये किसने रखा? ये बॉम्ब आप पर किसने लगाया सर? सर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कमिश्नर, कमिश्नर बोलिए ना सर। सर कमिश्नर, सर कमिश्नर, कमिश्नर क्या सर, कमिश्नर क्या, बोलिए ना सर। सर आप बोलते क्यों नहीं सर? सर बोलिए ना। मार दिया मेरे सर को, मार दिया। बाप जैसा मानते थे अलेक्जेंडर साहब कमिश्नर को, जब उन्होंने ही उन्हें मरवा दिया तो मैं बुरी तरह से टूट गया। किससे कंप्लेंट करूं, किससे ये बात कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने खुद को शराब में डुबो दिया। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जमुना, अंकल को घर लेकर जाओ। वो फ्रॉड नहीं है बेटा, भगवान संभाल ले। माफ कर दीजिए मुझे। वो कमिश्नर सबसे बड़ा कमीना है, कमिश्नर सबसे बड़ा कमीना। ये सब कमिश्नर ने किया है, अब समझ में आया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। ये सब कमिश्नर ने किया, पर ऐसा क्यों किया? धमाका, तेरी मदर इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो गए रे। उसके बीच मेरी माँ को बम से उड़ा दिया। मेरी माँ मेरी वजह से मर गई। मेरा वीडियो क्या निकाल रहा है कमीने कहीं के? तब है तो हाथ लगा कर दिखा। तेरे जैसे कमीने के ना छोटे छोटे टुकड़े करके पूरी पुलिस कॉलोनी में बांट दूँ ना तो एक हफ्ते तक खा सकते हैं तुझे। मेरा बेटा मुझे जरूर बचाने आएगा, शेर है वो शेर। इतना टॉर्चर किया था तुमने, मुझे तो लगा कि मैं गया। अब तुम्हारी माँ को मार कर उसके टुकड़े टुकड़े करके तुझे पार्सल भेजवाऊंगा। उसे देख कर तुम्हारे रिएक्शन जो होंगे उसकी हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और उसे फेस्टिवल्स में भेजेंगे। खुदा हाफिज। अरे रामा राम, वो तुम्हारी माँ को कुछ करेगा तो नहीं? मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो मुझे ढूंढ रहा है। जब तक मैं उसे नहीं मिलूंगा वो मेरी माँ को कुछ नहीं करेगा। उसके कार में जब बम मिला तो उसने कहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता, और उसी ने आज हमारे घर पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। यानी बॉम्ब ब्लास्ट मुख्तार कर रहा है, और अब डेगा टीम भी उसी को ढूंढ रही है। मुख्तार को ढूंढ रही है? अंकल, अलेक्जेंडर सर को भी बॉम्ब से उड़ाया गया था ना। एक बात बताइए,
एंगेजमेंट के लिए जब अलेक्जेंडर सर जा रहे थे तो कमिश्नर का बेटा आकर उन्हें कहीं ले गया था ना, और बाद में अलेक्जेंडर सर को मार्केट में ही ह्यूमन बॉम्ब बनाकर उड़ा दिया गया। मतलब कमिश्नर के लड़के का मुख्तार के साथ लिंक है, पक्का ये दोनों मिले हुए हैं। मतलब अलेक्जेंडर सर ये कहना चाहते थे कि इसमें कमिश्नर का बेटा इन्वॉल्व है, कमिश्नर नहीं। बिल्कुल सही कहा। अब वो दोनों कहां मिले? मैडम, मैं सीताराम। सीताराम, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कमिश्नर का बेटा है। What? ए छोड़ मुझे, मेरा बेटा आ गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, मैंने कहा था ना, देखा ना, आ गया मेरा बेटा। अब बता मेरी माँ को छुआ तो तेरे पार्टनर का भेद। मुख्तार के क्या रहे मुझे, पहले इसकी माँ को छोड़। अब तुम और तुम्हारी सारी गैंग पुलिस स्टेशन चलकर उनके सामने खुद को सरेंडर करेगी। डुप्लीकेट पुलिस, मैं कहता हूँ राहुल को छोड़ दे, नहीं तो तेरी माँ को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, अगर दम है तो चला गोली। पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं, पुलिस वाले की बीवी हूँ मैं, और पुलिस वाले की माँ हूँ मैं। पुलिस वाला हर वक्त मरने मारने को तैयार रहता है। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। तू मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, अब तुझे कौन बचाएगा? मुझे मारना चाहती ना, मार के दिखा इस बच्ची को, चला गोली। लीव अ बास्टर्ड। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। कम कम। कैसे बताऊं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने पहले
एक बर्थडे पार्टी में गया था ब्रो। वहां किसी ने मुझे पीने के लिए ड्रिंक दिया ब्रो। उसके बाद मेरा सिर जोरों से घूमने लग गया था। उसके बाद ये वीडियो उन्होंने मुझे दिखा। अब तक न जाने कितने लाख रुपए मैंने उन्हें दिए। वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और अब वो लोग मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। पापा को पता चला तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। कहां मिलेंगे वो लोग? बचाना होगा ब्रो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो, प्लीज मदद करो ब्रो। ये 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 हेल्प हेल्प मांगा तो हीरो की तरह आ गया। मेरे पापा को मत बताना ब्रो, प्लीज ब्रो, प्लीज उन्हें नहीं बताना, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे ब्रो। अलेक्जेंडर मेरे पाप का बड़ा बेटा। आ गया साला यहाँ मरने के। क्या हुआ चढ़ गए बस इतने में? ज्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट। You'll be gone. सेट हो जाएगा तू। बड़ा वाला डोज दिया है मैंने। पता है हम लोगों के लिए एक डोज काफी होता है, लेकिन मैंने तुम्हें एक दिए, दो दिए, 3 डोजेस दिए। मारना चाहता है मुझे? मारेगा तू? You wanna shoot? शा, इतना जहर भरा हुआ है, छोटे बच्चे की तरह लग रहा था तू। वैसे ही रो भी रहा था तू। मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा था। कमिश्नर, ऐसे महान इंसान के घर में तू कैसे पैदा हो गया? वो कुछ भी कहे लेकिन उनका बेटा तू ही तो है। मुझसे कंपैरिजन किया तूने? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तूने। हॉस्पिटल हॉस्पिटल भाई। मैं रोज मौत को लोगों में बांटता रहता हूँ बे, और तूने मुझसे उलझने की कोशिश की। अलेक्जेंडर IPS, और अब ये बन गया है क्या बोलते हैं उसको, मानव बॉम्ब। हाँ, ह्यूमन बॉम्ब। और अब तुम्हारे साथ बहुत सारे लोगों का भी बूम। बाबू, हमारे पार्टनरशिप के तौर पर यही है तुम्हारा नए साल का गिफ्ट।
डेमो के तौर पर मेरी एक शॉर्ट फिल्म जरूर देख लेना, ओके? खुदा हाफिज। No!
करना नहीं, फिर भी हमारे मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी कमीने? बता जरा। ओह, पुलिस की वर्दी बहुत पसंद है ना तुझे? अलेक्जेंडर का यूनिफॉर्म भी डाला था ना तूने? एक काम करता हूँ, तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। आज ना पुलिस एनुअल डे है, सॉरी पुलिस फोर्स वहीं पे रहेगी। तुम्हारे पसंदीदा पुलिस फोर्स को तुम ही उड़ाओगे। दो ये बेचारा भी अलेक्जेंडर की तरह उड़ेगा ब्लू। आज तो पूरी पुलिस फोर्स उड़ेगी एक साथ। बेबी, मैं अभी सब फिनिश करके आता हूँ। तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है ना बेबी? तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना कोई कोई। अलेक्जेंडर Thank you.
दर्शन कीजिए। मारने की
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया किरण? आर यू मैड? लाउडर अप! कोई से मारो! शूटर! शूटर! एक भैया में मार देगी! शूटर! शूटर! सीट फॉर योरसेल्फ! ए! ये तुम क्या कर रही हो? Hey! Move back! Don't! Dad! Listen to me, Dad! She was laughing! नहीं, मैंने नहीं। एलेक्सेंडर को मैंने नहीं मारा, डैड। सच में, किसी ने कुछ किया होगा, इसी ने मारा होगा, डैड। डैड, प्लीज, मैं, डैड, लिसन टू मी, डैड। मैं कह रहा हूँ, डोंट मूव। नहीं, डैड, प्लीज, डैड, नहीं, डैड। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस, डैड, कसम खाता हूँ। मम्मी की कसम खाता हूँ। असली गुनहगार हमारे कमिश्नर साहब का बेटा ही था। बहुत गलत रास्ते पर चला गया था, पर सीएम साहब, हमारा कमिश्नर है ना, वो बहुत ही ग्रेट आदमी, ड्यूटी के लिए उसने अपने बेटे को ही मार गिराया। सो सैड सर। ठीक है, मैं सारी रिपोर्ट शाम तक सबमिट करता हूँ। ओके, जय हिंद सर। स्टॉप इट। सैल्यूट पुलिस। ये क्या है? ए, मैं होम मिनिस्टर हूं, इसलिए तुमने मुझे कई बार सैल्यूट किया, लेकिन आज तुम्हारी ऑनेस्टी देखकर, तुम्हारी सेल्फलेस सिंसियर वफादारी देखकर, एक दोस्त होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं तुम्हें देखता आया हूं, और आज मैं होम मिनिस्टर बन गया हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग ब्रदर, आई लव यू। थैंक यू। आई रियली लव यू। थैंक यू। पुलिस क्या होता है तुमने साबित करके दिखा दिया। इस देश को तुम पर गर्व है, तुम रिटायर नहीं हो सकते, और इसीलिए सीएम साहब से बात करके तुम्हारी सर्विस एक्सटेंड करवा दी है। मैं तुम्हें हैदराबाद पुलिस एकेडमी में डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं। सर, दिस इज योर अपॉइंटमेंट। थैंक यू। रामा राव। तुम्हारे कहने पर मैंने इसे पुलिस में भर्ती किया। सुनो, अब इसे ट्रेनिंग देकर दूसरा अलेक्जेंडर तैयार करो।